Hey guys, today I'm in Agra and आज हम लोग चलने वाले हैं RedFort, Taj Mahal. So guys, इस समय हम लोग हैं RedFort पे और बाबर ने इब्राहिम लोधी को 1526 ईस्वी में हरा दिया था और बाबर ने इस किले पे कब्जा कर लिया था जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं और यही है हमारा RedFort आगरा में. तो चलिए आगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ उसमें और क्या क्या अंदर कैसे कैसे बना है पूरा आपको भी दिखाऊँगा. चलिए हम लोग यहाँ पे हैं इस समय. तो ये पीछे पूरा मुग़ल के टाइम का पूरा बना हुआ है जैसा आप लोग पीछे देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. और ये पूरा आपका RedFort के अंदर बना है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा आप लोग अगर आएंगे अपनी फैमिली के साथ. और हाँ, एक और बात, प्लीज़ आइएगा ज़रूर, बट गर्मी में मत आइएगा, गर्मी में आप लोग की हालत ख़राब हो जाएगी. मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, आइएगा तो थोड़ा वेदर अच्छा हो जाए, थोड़ा ठंडी मौसम हो जाए, तो बारिश का मौसम है तब अगर आप आएंगे तो वेदर काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी इन्जॉय करेंगे आप लोग. बट तब भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बहुत बढ़िया, भीड़ ज़्यादा है नहीं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है इसीलिए भीड़ कम है. और बिलाल भाई मेरे बुला रहे हैं पीछे, तो चलते हैं, धूप बहुत है. आगे घूमते हैं और आगे देखता हूँ क्या क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ. ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं इस समय अंगूरी बाग में. जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल बना है और यहाँ की जो कटिंग है ट्रीज़ की बहुत ही ब्यूटीफुल है आप जैसे देख सकते हैं. और ये देखिए पूरा बना है, ये अंगूरी बाग होता है, इसको मुग़लों के टाइम पे बोला गया होगा अंगूरी बाग, तो उसी टाइम से ये फेमस हुआ है और तब से इसका नाम है अंगूरी बाग. और ये जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया बना है, धूप बहुत तेज़ है, काफ़ी गर्मी है यहाँ पर, वेदर थोड़ा सही नहीं है बट जैसा भी है सही, ठीक है. ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है अंगूरी बाग. अंगूरी बाग है क्या? चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसा बना है. फॉरनर्स बहुत आते हैं यहाँ पे, फॉरनर्स साथ भी क्लिक करेंगे फ़ोटो जल्दी, बट आप आगे देखते रहिए क्या क्या होता है. हे फ्रेंड्स, ये जिस समय मैं यहाँ बैठा हूँ मुमताज़ का आरामगाह है, यहाँ पर वो आराम करती थी. और सामने देखिए ये आप देख सकते हैं, सामने ये उनका बाथ टब है यहाँ पे वो बाथ लेती थी और काफ़ी अच्छा बना है जैसे आप देख सकते हैं. इस समय तो ये क्लोज़ है, जब उस टाइम पे होगा तो यहाँ पे शॉवर ओवर लगा होगा और यहाँ पे वो बाथ लेती थी. ठीक है फ्रेंड्स, यही हम लोग इस समय हम लोग आराम पा रहे हैं, मुमताज़ यहाँ से देखती भी थी और आराम करते थी और आपने कितना अच्छा बनाया, बहुत ही ब्यूटीफुल है. आगे हम दिखाते हैं यहाँ से रोशन आ रहा है और यहाँ से जितना ताजमहल का व्यू दिखता है मुझे नहीं चलता है. सो गाइस, इस समय हम लोग हैं रोशन आरा में. आप लोग देखिए, मैं आपको यहाँ से ताज की दीदार कराता हूँ. ये पीछे एक ताज है, ताजमहल, और यहीं से मुमताज़ ताज का दीदार करती थी और यही रोशन आरा है. रोशन आरा के नाम से ये फेमस है ये जगह और काफ़ी बढ़िया बना है. और पीछे आप देखेंगे जैसे कि RedFort की दीवार है. तो फ्रेंड्स, ये जो आप नीचे देख रहे हैं शाहजहाँ मुमताज़ के लिए सेफ्टी के लिए मगरमच्छ पाले हुए थे और वहाँ नीचे टाइगर पाले हुए थे, तो उसके मुमताज़ की सेफ्टी बनी रहती थी और यहीं से ताज के दीदार होते थे. सो फ्रेंड्स, इस समय हम लोग हैं बढ़नी दरवाज़ा में. काफ़ी अच्छी बात इसलिए मैं ये बताता हूँ आपको कि इसमें हमें
इस दीवार से बोलेंगे तो उस दीवार को सुनाई देता है। मैं बिलाल को मैंने उधर खड़ा किया है, वो कोने में है, उधर बिलाल खड़े हैं और वो मेरा नाम बुलाएंगे, मैं यहाँ पे सुनूंगा। हेलो हेलो बिलाल से दिखी, हेलो हेलो बिलाल। तो फ्रेंड बहुत यूनिक दरवाज़ा है और यहाँ पे यहाँ से बुलाया जाता है तो वहाँ सुनाई देता है और काफ़ी बढ़िया बनाया और ये रेड फोर्ट में ही है। हे गाइस, हम लोग इस समय हैं ताजमहल में, 7 वंडर्स में इंडिया का भी एक वंडर आता है जिसे ताजमहल कहते हैं और काफ़ी बढ़िया बनाया है और बाकी इतनी गर्मी है और रेड फोर्ट से ज़्यादा यहाँ भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है ताजमहल, लोग बहुत देखने आए हैं। थोड़ा हवा चल रही है, थोड़ा यही सुकून की बात है बस, मगर भीड़ तो बहुत है। साथ देख सकते हैं ताजमहल, टू ब्यूटीफुल और ये पोज बिल्कुल यूनिक पोज है, देख सकते हैं। गुम्मत कभी ना पकड़ पाए पर ये जरूर फोटो में दिखा देंगे कि मैं गुम्मत पकड़ रहा हूँ। बिलाल भाई कैसा लग रहा है ताजमहल में आके? बिलाल भाई बिजी हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ताजमहल की तरफ चल दिए हैं, तो पीछे ये इसका गेट है, यहाँ से एंट्री हुई थी हम लोग की और ये ताजमहल है, देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल है। काफ़ी लोग आए हैं, यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, ये देखिए पीछे इसकी जो इसमें लिखा गया है नक्काशी है, काफ़ी बढ़िया बना है। क्यों बिलाल भाई, है ना, जो नक्काशी लिखी है वहाँ पे लिखा गया है अरबी में, पूरा शाहजहाँ ने पूरा लिखवाया था इसको और जानते हैं हम लोग, उन्होंने हाथ कटवा दिए। हाँ, और उनके हाथ कटवा दिए गए थे, किसके थ्रू कटवाए गए थे? शाहजहाँ के थ्रू, ताकि दूसरा ताजमहल, हाँ ताकि दूसरा ताजमहल ना बनवाए, ये तो सबको पता ही होगा वहाँ पे। और काफ़ी थोड़ा येलो बना रहा है जो एसिडिक रेन की वजह से होता है और बाई चांस थोड़ा पॉल्यूशन भी होता है पूरा, क्यों पॉल्यूशन भी होता है उसकी वजह से भी हो रहा है, ये थोड़ा येलोपन इसमें भी आ रहा है इसी वजह से। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अब ताज के ऊपर, बिल्कुल मतलब सामने ही है। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं ताज महल के बारे में कि इसकी जो चारों मीनारें हैं आप देख सकते हैं, एक दो उधर पीछे, एक इधर उधर पीछे, चार मीनारें हैं टोटल। वो थोड़ा सा झुकी हुई हैं, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि मीनारें झुकी हुई हैं, पर एग्जैक्टली में मीनार झुकी हुई हैं थोड़ी सी। वो इसलिए झुकी हुई बनाई गई थी, शाहजहाँ ने इसलिए बनाया था क्योंकि अगर बाय चांस कभी भी अर्थक्वेक से या किसी भी कोई वजह से ये मीनार अगर गिरती हैं तो ताजमहल को कोई नुकसान ना हो। और ये मीनारें उधर उस साइड गिरेंगी, थोड़ी इधर अगर इधर झुकी हैं तो इधर गिरेंगी और ताजमहल को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इसीलिए ये मीनारें थोड़ी सी झुकी हुई बनाई गई थी। अब ये पूरा ताजमहल का बैक का पूरा हिस्सा है, ये देखिए पूरा व्यू है और ये पूरा ताजमहल काफ़ी बढ़िया बना है। पीछे का ये जो गंगा नदी है और भी काफ़ी अच्छी लगती है, टू ब्यूटीफुल। ताजमहल के रात को दीदार किया जाए तो काफ़ी बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी बढ़िया है। सो फ्रेंड्स,
फाइनली आज ब्लॉग का एंड करते हैं। और फतेहपुर सीकरी भी मुझे जाना था बट काफ़ी गर्मी है तो अब कैंसिल कर दिया वहाँ का जाना। और कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? आई होप आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा मेरे साथ में। तब तक के लिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।